कैसी लगी मैं बदर टू देखकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही था। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा था कि 70s और 80s का उस जमाने का फिल्म के जैसा एक दौर है, वो उस दौर का लेकर आया है। अनिल शर्मा जी ने बहुत ब्यूटीफुल डायरेक्शन किया है और सनी इज सुपर एंड उत्कर्ष ऑल्सो अनिल शर्मा जी सन, उन्होंने भी बहुत सुंदर एक्टिंग किया है और नई लड़की जो है वो भी बहुत अच्छी है। और इस पिक्चर देखकर एकदम राष्ट्र के प्रति जो भाव होना चाहिए, पेट्रियोटिज्म, वो बहुत ही है। हिंदू और मुस्लिम के प्रति जो भाईचारा होना चाहिए, उस विषय को लास्ट में लेकर आए हैं और इट इज़ नाइस मैसेज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। और सकीना और तारा की जोड़ी को वापस से 22 साल के बाद देखा गया पर्दे पर। हाँ जी, सनी और अमीशा जी की जोड़ी को, हाँ बहुत अच्छा, 22 साल के बाद, तो 22 साल के बाद भी दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं तो क्या लगता है मैं गाना चाहिए, गाने को फिर से मतलब रिक्रिएट रीअरेंज करके हम सभी के बीच में लाया, दीदी जी की आवाज है, तो गानों के बारे में आप क्या, गानों के बारे में क्या कहेंगे? गाने में इंटरेस्टिंग है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं, हिट सॉन्ग्स है, उस वक्त इतना हिट हुआ था गाने, उसको वापस दोहराया तो बड़ा अच्छा लगता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फादर एंड सन हमेशा हीरोइन के लिए भागते हैं, सेव करके लेकर आते हैं, तो इसमें फादर एंड सन का है, बड़ा अच्छा लगता है, डिफरेंट एंड वेरी नाइस फिल्म, पीपल आर एंजॉयिंग इट एंड आई एम ग्लैड दैट आई वांटेड टू सी द फिल्म। मैम गदर 3 आ सकती है? मैम हेमा जी आप देखिए ना, हेमा जी आप पैक में, हेमा जी, हेमा जी आप गदर 3 आ सकती है, हेमा मैम सेंटर, सेंटर में आप देखिए, मैम सेंटर में देखिए ना, हेमा मैम यहां सेंटर में, यहां मैम 5-3 आ सकता है गदर का? ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चलो भाई, अच्छा जल्दी कर दे भाई, क्या मोबाइल को भाई जाओ।